अपने अपने घरों में रहकर मनाई 129वीं भारत रत्न डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर जयंती। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं जनपद मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकड़ा के मोहल्ला हरिपुरम में, जहां वरिष्ठ समाज सेवी ईश्वर प्रसाद पटेल व उनके साथी पत्रकार अमित कुमार गौतम, शिव कुमार भगत जी, रामपाल आदि ने लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए अपने घर पर रहकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए अम्बेडकर जयंती मनाई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी ईश्वर प्रसाद पटेल ने संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन परिचय से अवगत कराया। अमित कुमार गौतम की रिपोर्ट। देखिए आपका नाम। मैं ईश्वर प्रसाद पटेल, निवासी हरिपुरम कुकड़ा मुजफ्फरनगर। किस तरह का कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित? मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज के लिए, गरीब तबके के लिए हमेशा कार्यरत हूँ। आज हमारे देश के जो संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका जन्मदिवस है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और उस अवसर पर आज पूरा देश इनका जन्मदिवस मना रहा है, परंतु आज की परिस्थितियों को देखते हुए, जो लॉकडाउन की परिस्थितियाँ चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, कोरोना वायरस को के चैन को तोड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश भी दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाई जाए, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर आदमी अपने घर पर रहकर उनका जन्मदिवस मना सकता है। और उसी कड़ी में हम अपने घर पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मना रहे हैं। और मैं देश के सभी समाज को इसके लिए बधाई देता हूँ कि हमारे इस देश को चलाने वाली व्यवस्था की किताब जिन्होंने बनाई, उनका आदर करते हैं, करते हुए सबको इनकी जयंती मनानी चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष युग में कभी एक बार जन्म लेते हैं, इनके लिए हम लोगों के मन में श्रद्धा और प्यार बना रहना चाहिए और आगे प्रयास करना चाहिए कि इनके कदमों पर चलकर हम अपने देश को, हर समाज को आगे ले जाने की कोशिश करें। आजकल कोरोना वायरस विश्व वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, पूरा विश्व इससे परेशान है, इसी कड़ी में भारत भी परेशान है। परंतु भारत की जो स्थिति है, यहाँ का जो नायक है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कार्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, और इस व्यवस्था से जो लोग, भारत के जिन लोगों को दिक्कतें हो रही है, वो लोग इसे दिक्कत ना माने बल्कि आने वाला जीवन माने, और इस लॉकडाउन की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। देश के लिए यह सबसे बड़ा योगदान होगा, देश के विकास में यह सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर जान रहेगा तो ये जहान भी है। जय हिंद।